अरे सिमरन, तुम कहाँ जा रही हो? आपको तो पता है, जब तक मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुन लेती और पूजा नहीं कर लेती, तब तक मैं कुछ नहीं खाती। अरे सिमरन, रोज रोज पूजा करने जाना ये क्या है? अरे आपको तो पता है ना, गुरुजी पर मेरा विश्वास है, मैं वो नहीं छोड़ सकती। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता खा लेना, मैं आती हूँ, ठीक है? ओके डार्लिंग, ठीक है। आओ आओ डार्लिंग, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ। ओ मेरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो आइए शुरू करें। जैसी आपकी इच्छा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पति पत्नी के रिश्ते कितने खास होते हैं, जबकि ये रिश्ते हमारे बड़े कहते हैं कि हमारा बनाया हुआ नहीं, ये ऊपर से ही बन के आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से जरा सुनिएगा कि इस रिश्ते में अगर पत्नी चंद पैसों की खातिर अपनी ईमान बेच दे, इस रिश्ते को तार तार कर दे, तो उस पति पे क्या गुजरेगा? आखिर क्या मैसेज आएगा इस समाज में? आज की स्टोरी इसी विषय पे है, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस एपिसोड के अंदर क्या होता है। धन्यवाद। अरे सिमरन, तुम कहाँ जा रही हो? आपको तो पता है, जब तक मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुन लेती और पूजा नहीं कर लेती, तब तक मैं कुछ नहीं खाती। अरे सिमरन, रोज रोज पूजा करने जाना ये क्या है? अरे आपको तो पता है ना, गुरुजी पर मेरा विश्वास है, मैं वो नहीं छोड़ सकती। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता खा लेना, मैं आती हूँ, ठीक है? ओके डार्लिंग, ठीक है। डार्लिंग, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आओ। ओ मेरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो आइए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, शुरू करें। जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। हेलो, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। अरे यार, जब से शादी हुआ तब से ना कभी मिलना ना जुलना, क्या ऐसा ऐसा मतलब क्या दिन भर भाभी के पास में चिपके रहते हो? अरे नहीं यार, घर में फल रहते हुए मार्केट से खरीद के खाना पड़ रहा है, पता है तुझे? अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों ऐसा क्यों? हाँ यार, अरे यार पता नहीं कैसे बीवी मुझे मिली है, एकदम सी सती सावित्री, दिन रात पूजा पाठ में लीन रहती है,
मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखती। पता नहीं यार कौन से एक सत्संग वाले बाबा मिले हैं, रोज उनसे मिलने जाती है, रोज उनका सत्संग सुनती है, उन्हीं के पूजा पाठ में दिन रात लीन रहती है, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखती। बस यार अब तो सिर्फ मेरा लैपटॉप ही सहारा है। खैर छोड़, तू अपना बता क्या चल रहा है। सुनो कोई बात नहीं, जो कुछ भी चल रहा है ठीक है, कल मिलो हमसे। अच्छा सुन ना, कल मेरे घर पे मिलने आ जा, तू भी तो आता नहीं है, आ जाया कर। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम फ्री हो जाओ। मैं तो सोच रहा था कि भाभी के साथ एकदम रंगलिया मना रहे होगे, नया नया शादी हुआ है, मैं समझ सकता हूँ टाइम दे रहे हो, लेकिन नहीं मैं कल मिलता हूँ तुमसे, मॉर्निंग आता हूँ ठीक है। चल ठीक है, पक्का ना? पक्का, चल ठीक है, बाय बाय। क्या सीन है भाई, बेजोड़ सीन है भाई, मेरा तो मन कर रहा है, एक नंबर माल भाई, क्या तरीके से ले रहा है। तरीका नहीं, इसे कहते हैं इंग्लिश शॉट। अरे देख 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 देख, अच्छा इसे इंग्लिश शॉट बोलते हैं। अरे और नहीं तो क्या, देख कैसे ले रहा है उसकी, आह आह, अरे कितना चिल्ला रही है। अरे इतना मोटा जाएगा तो चिल्लाएगी ना। अरे वो आगे छोड़, देख पीछे से, पीछे से क्या माल है। साला कब तक फोन में देखूंगा, कभी तो अपने को भी मौका मिले। मौका मिलेगा, असली देखा है आज तक क्या? देखा नहीं तो क्या हुआ, इच्छा तो है। अच्छा असली देखना चाहता है क्या तू? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा चल मैं तेरा बंदोबस्त करा दूंगा। तो सिमरन भाभी है। ओह माय गॉड, क्या देख रहा हूँ मैं? नहीं नहीं यार, ये नहीं हो सकता यार। भैया तो बोल रहे थे सती सावित्री है, पूजा पाठ में मन लगता है। देखता हूँ। फोन उठा यार। अरे यार फोन क्यों उठाता है तू? भाई मैं कब से फोन कर रहा हूँ, फोन कहाँ रखता है तू? अरे तू कल आने वाला था, आज आ गया? आज नहीं सकता क्या? क्या हुआ बोल। ये देख, ये भाभी क्या गुल खिला रही है यार। ये मैंने वीडियो देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ये सब भी करेगी। अरे ये तो सिमरन है, ये क्या दिखा रहा है, कहाँ मिला तुझे? तो देखो यार मैं क्या बताऊँ, जब मैं ग्रुप में ये मैसेज आया, ये वीडियो आया, मैं देखा, मैं अब क्या खुद ही हैरान हो गया यार। हमको यकीन नहीं हो रहा था यार कि भाभी ऐसी हरकत करेंगे यार। यकीन तो मुझे अभी भी नहीं हो रहा है कि ये सिमरन है।
मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है वो। बाबा के पास जाने के बहाने मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है ये। देखो मैं तो सब नहीं जानता कि क्या कर रही है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है यार। कोई यकीन नहीं हो रहा था कि भाभी ये सब भी करती है। यकीन तो मुझे अभी भी नहीं हो रहा है कि मेरी पत्नी ये सब कर सकती है। खैर ठीक है तू जा, लेकिन याद रखना अगर ये वीडियो गलत हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा। ठीक है मैं तुमको व्हाट्सएप करता हूँ, तुम चेक कर लेना। चलो ठीक है। क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हो आज। आज कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए बाबा का प्रसाद। नहीं खानी है मुझे तुम्हारी प्रसाद। आजकल बहुत सेवा कर रहे हैं गुरुजी तुम्हारे। मतलब मैं समझी नहीं। उसी सेवा का एक वीडियो आया है मेरे पास, देखना चाहोगी। आपका मतलब क्या है। तुम्हारे और तुम्हारे गुरुजी का एक वीडियो आया है मेरे पास, ये देखो। आपका दिमाग खराब हो गया। छी, ये आपको लग रहा है ये मैं हूँ। कितनी घटिया सोच है आपकी मेरे लिए। ये तुम ही हो। ये आपको मैं नजर आ रही हूँ, ये आपको दिख नहीं रहा है। मेरे जैसी कोई हो सकती है लेकिन ये मैं नहीं हूँ, समझे आप। आप कितना घटिया सोचते हैं मेरे बारे में, कितना बड़ा लांछन लगा दिया आपने। ये तुम नहीं हो। ये आपको मैं नजर आ रही हूँ। ये तुम ही हो। पूजा पाठ के आड़ में ना ये गलत रास्ते पे जा रही हो तुम। आप पागल हो क्या, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं इतनी गलत हूँ, आप मुझ पे इतना शक करते हैं क्या। चुप रहो, ये मैं नहीं हूँ, समझ में आई बात। तुम नीच हो ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदा ही भरा हुआ है। अरे साला ये वही है कि कोई और है। दोस्तों एक कहावत तो सुनी होगी आपने, चोरी और ऊपर से सीना जोरी भी। अब तो हद ही हो गया उस औरत का। वो औरत गलती पे गलती किए जा रही है लेकिन आरोपी अपने पति को ठहरा रही है। क्या लगता है आप कि वो औरत की सारी गलतियों का पर्दाफाश उसका पति कर पाएगा, उसका काला सच सामने ले आ पाएगा। मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि वो औरत अपनी झूठ स्वीकार करेगी, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करेगी अपनी पति के सामने। खैर देखिए आगे क्या होता है, आप बने रहिए अंत तक। धन्यवाद। हाँ यार क्या हुआ। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। मेरी वाइफ फिर से निकली है बाबा से मिलने के लिए। अच्छा। और तू ध्यान दे उस पे, उसका पीछा कर। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, सारे इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तू पता करके मुझे बता, एक एक मिनट का हाल बता। ठीक मेरा काम कर देना जरूर। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। मुझे तुम पर भरोसा है। ओके भाई जा, बाय बाय बाय।
भाई। हाँ बोलो। ये तो अलग ही गुल खिला रही है। अच्छा सुनिए काम करो बोल। तुम फटाफट आ जा, तुम फटाफट आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ। मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको, ठीक है आ जाओ। ओके ठीक है। आज बहुत लेट कर दी, शुरू करें? रमेश आज के बाद हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? अरे मेरे पति तक वीडियो पहुंच गई है। तुम्हें तो पता है हमारी सारी वीडियो विदेश में जाती है। वही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि ये वीडियो उस तक कैसे पहुंच गई। जो भी हो लेकिन अब हम ये काम नहीं कर सकते। अरे कैसी बात कर रही हो, हमारी वीडियो से तुम्हारा पेट चलता है। अगर ये सब नहीं करोगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती क्योंकि उनके हाथ लग गया है वीडियो। प्लीज आज भर कर लो। नहीं रमेश तुम समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत रोका उन्होंने, प्रॉब्लम हो जाएगी यार, समझा करो। अरे अरे बात समझो, हमारी रोजी रोटी यही तो है, खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे आते हैं, समझती क्यों नहीं हो तुम? नहीं अब ये नहीं होगा। आज भर तो कर लो। नहीं हम ये नहीं कर सकते। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा तो ये है तुम्हारे बाबा, हम्म? इसी की पूजा पाठ करने के लिए दिन रात जा रही थी ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड और ये गंदा काम। तुझे तुम्हें सती सावित्री समझता था, बहुत प्यार करता था तुझे, और तुम अपना ये रूप दिखा दिया आज। अरे औरत के नाम पे कलंक है कलंक, ये सब करती हो तुम कमीने। मालूम है तुम्हारा वीडियो हर जगह फैल चुका है, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने अपने दोस्त को मानने तक की धमकी दे डाली। समाज में, इस दुनिया में तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। चलो शर्म चलो, आती चलो। है तू जैसी नारी को अपनी पत्नी कहते हुए। मनोज ले चलो इन दोनों को प्ले स्टेशन। चल चलो चलो। प्लीज 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 मुझे माफ। नहीं तू माफी के काबिल नहीं है। दोस्तों पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता, पैसा कमाना बहुत ही आसान है लेकिन रिश्ते कमाना बिल्कुल। आखिर क्या हासिल हुआ उस औरत का? चंद पैसे और शारीरिक सुख भोगने के चक्कर में अपनी कीमती धन से हाथ धोना पड़ा उसे। भाई साहब अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन उसके अपराध का अंत एक दिन खत्म होना तय है, तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यही नम्र निवेदन है कि ऐसे क्राइम से आप बचें, और खास करके विवाहित पुरुषों से यह आग्रह है कि अपनी पत्नी का ज़्यादा ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस ऐसे क्राइम ना हो उससे भी बचें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।